आज धर्मशाला की सड़कों पर तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन सभी प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तिब्बत को आजाद किया जाए। आज ही के दिन 10 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था, इसलिए 10 मार्च को हर साल तिब्बती लोगों द्वारा आजादी के लिए प्रदर्शन किया जाता है ताकि उनकी आवाज उठ सके। आज भी हर बार की तरह धर्मशाला की सड़कों पर तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मैक्लोडगंज से शुरू हुआ और धर्मशाला के कचहरी अड्डे तक प्रदर्शन चला। तिब्बत की आजादी के लिए तिब्बत के लोग संघर्षरत हैं। आज भी यह लोग यही कहते हैं कि तिब्बत की आजादी में भारत की सुरक्षा है, क्योंकि लड़ाई बॉर्डर की है और बॉर्डर तिब्बत और भारत का है, लेकिन चीन जबरन अपना हक जमाना चाहता है। और आज यहाँ पे जो है 64th एनिवर्सरी ऑफ टिबेट नेशनल अपराइजिंग जो है वो हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं, और ONGO साथ में मिलके ये जो दिवस है ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है हम तिब्बतियों के लिए। 1959 तिब्बत के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे तिब्बत के अंदर, उनको मारा गया, उनको ओपन फायर करके उनको उनके ऊपर गोली की बारिश बरसाई गई। तब से लेकर आज तक हम ये जो दिन है हमेशा कॉमेमोरेट करते हैं, और न केवल इंडिया में बल्कि पूरे जो विश्व में तिब्बतियाँ हैं, तिब्बत के जो सपोर्टर समर्थक हैं, हम सब मिलकर ये दिन को कॉमेमोरेट करते हैं। ये जो जुलूस है हम मैक्लोड से कचहरी तक हमने ये शुरू किया है, और एक मैसेजिंग मैं बताना चाहती हूँ, हम हमेशा जब भी ये दिन ये दिवस होता है हमारा मैसेज क्लियर होता है, तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा। ये हम क्यों कहते हैं, हम एक और मैसेज बोलते रहते हैं, याद करो सन 1962 याद करो। अब हम दोबारा से बोल रहे हैं याद करो गलवान घाटी याद करो। क्यों? हमेशा से जब भारत और ये चीन के बीच में कुछ इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, या तो वो हमेशा सीमा का होता है, ये हमेशा से तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर रहा है, ना कि इंडिया चाइना बॉर्डर, ये हमेशा इंडो तिब्बत बॉर्डर है, अभी भी इंडो तिब्बत बॉर्डर है। जब तिब्बत एक आज़ाद देश था, इंडिया भारत सरकार को भारत को कुछ भी वो टेंशन नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, इशू नहीं था बॉर्डर सीमा का इशू। पर जब से तिब्बत कब्जा हुआ है इलीगली बाय चाइना, आप देखते आ रहे हैं कि सीमा का जो प्रॉब्लम है वो हर साल होते रहता है। अब गलवान हो गया, कश्मीर का इशू हो गया जो बॉर्डर इशू है, और बल्कि उत्तराखंड का जो बॉर्डर इशू है वो सब, और अरुणाचल में जो हो रहा है बॉर्डर में ये घुसपैठ हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखो और हमारा जो तिब्बत का इशू है उसको आप समर्थन दो। और ख़ास करके भारत सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि तिब्बत इशू का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द उसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और हम मैसेज एक ही क्लियर है, तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।